हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में आज हम आप सबको बताऊंगा कि YouTube का जो एल्गोरिथम सिस्टम है वो काम कैसे करता है, वो हमारा वीडियो को कहां कहां कैसे किस तरह से भेजता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम आप लोग को बता दें कि YouTube में जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube उस वीडियो को देखता नहीं है, बल्कि लोगों को इम्प्रेशन देख कर ही उसको वीडियो में क्या वीडियो में बनाए हो क्या नहीं बनाए हो, वो लोगों को इम्प्रेशन देख कर ही वो YouTube डिसाइड करता है कि आपका वीडियो आगे भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, हम आप लोग को बता दें कि YouTube कोई वीडियो को हमारा फुल वॉच नहीं करता है। वीडियो अगर आप गलत बनाते हो या फिर सही बनाते हो वो YouTube देखता नहीं है। आप लोग को वीडियो अपलोड करते हो तो वो YouTube नहीं देखता है। तो सबसे पहले गाइस, लोगों के पास हमारा वीडियो जब जाता है तो उस वीडियो में लोग जब इम्प्रेशन देते हैं कि आपका वीडियो किस तरह से है, आपका वीडियो फुल चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, आपका वीडियो में कहाँ डिफरेंट है कहाँ गड़बड़ है, तो इस तरह से देख कर ही यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपका वीडियो को कहाँ पर भेजना चाहिए और कहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। तो अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हो, YouTube के एल्गोरिथम को अच्छे समझ लेते हो आप, तो आप इसमें थोड़ा अच्छे से काम कर सकते हो और आपका व्यूज भी अच्छा मिल सकता है। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग को यही समझना है, जैसे आपको वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पे लोगों के पास वो वीडियो जाता है तो आप उसमें अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो या फिर नहीं करा रहे हो, यही YouTube देखता है कि उस वीडियो में आप क्या बनाए हो। YouTube तो वैसे देखता नहीं, सिर्फ थंबनेल को चेक करता है, उसके बाद लोगों को इम्प्रेशन देख कर ही वो चेक करता है कि आपका वीडियो सर्चेबल टॉपिक में है या फिर नहीं है, आपका कॉन्टेंट में दम है या फिर नहीं है, ऐसे करके वो चेकता है। नहीं तो अगर उसने फुल वीडियो देखने लगे तो ऐसे 1000 वीडियो दिन भर में अपलोड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपलोड होते हैं, तो YouTube इतना वीडियो को नहीं देख पाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो बनाते हो तो थोड़ा अच्छा बनाया करो, बीच में थोड़ा अच्छा बनाया करो ताकि लोगों को इम्प्रेशन अच्छा रहे। और लोगों से ये कभी मत बोलना कि आप लोग डिसलाइक करो, आप लोग को ये वीडियो में बोलना ही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बोलने से क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को सिर्फ बोलना ही है, अगर उसको मन अच्छा हुआ तो लाइक जरूर करेगा, अगर नहीं अच्छा हुआ तो आप लोग को डिसलाइक भी तो नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग को ये बोलना है कि भाई सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को भी लाइक कर दिया करो ऐसे करके। नहीं तो अगर आप नहीं बोलते हो तो ऐसे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और YouTube जब हमारा लाइक देखता है वीडियो में कि किस तरह से हमारा लाइक आ रहा है और हमारा वीडियो फुल चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, कहाँ से लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कहाँ से नहीं देख रहे हैं, इस तरह से YouTube देख के डिसाइड करता है कि हमारा वीडियो को आगे भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। तो आप लोग कुछ इसी तरह समझना फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो बनाते हो तो थोड़ा अच्छा बनाया करो, नहीं तो कितने सारे को तो मैं ऐसा देखा हूँ सिर्फ थंबनेल लगाते हैं लेकिन वीडियो में अंदर होता ही नहीं है, जो बताते हैं वहाँ पे वो होता ही नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप लोग को आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग को एल्गोरिथम को समझना होगा, आप लोग को अच्छे कॉन्टेंट देना होगा, लोगों को अच्छा चीज़ प्रोवाइड कराना होगा ताकि उसको फुल लोग देखें, उसमें अच्छा अच्छा कमेंट करें और लोग कमेंट करेंगे तो ही आपका वीडियो आगे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।